इसने वहां डालनी है दुकान, और सिर्फ श्रीनगर में नहीं लद्दाख में भी जाके इसने दुकान डालनी है। तो मैं तेरे को कुछ कह रहा हूँ, नहीं शक्ल ही बना के खड़ा है। ये बताऊंगा कर किसके लिए रही है, पहले ये देखो जीतता कौन है, जीत गया। ये जीता किसे लिए, अब ये सुनो सच दसी दा हुंदा सच की है कि तू कुत्ते खाने की थी मेरे नाल पूरे राज। यार एवें ना बोल यार, आपने ना बदतमीजी दिखाई है मेरे साथ। ये तमीज है एक बोलने की, ये कुत्ता खाने की हुंदी है यार, तमीज रखो। तीनों ट्रिप पे जाने से पहले सबसे जरूरी काम है छोटा सा ये चेकअप कराना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है कहीं बाहर आउट स्टेशन पे जाने के बाद। इसकी शक्ल देखिए लद्दाख वाली दिख रही है, मैं तो तैयार हूँ एकदम। ये टैक्सी बैठा वेट में जाने की, टैक्सी चलना है, घूमी घूमी चलना है, टैक्सी भी हो गया तैयार। ये भैया चले, भैया आप जा रहे हो, जा रहे हो कुछ बताओगे सर इस पे? बताओगे इस पे? रूम सर्विसेज के लिए अलग वीडियो बनेगा। मैं ओवरटेकिंग ओवरटेक से अपने को भी खतरा होता है, दूसरों को भी खतरा होता है। मैं गलत ड्राइविंग करता हूँ? ड्राइविंग बिल्कुल सेफ करो। ओके हाँ, अपनी जान भी संभालो, दूसरों की जो रोड पे चलते हैं उनकी भी संभालो। तेरे को ले जाएंगे, रुक जा रुक जा रुक जा। बताओ तो रोड पे अपनी जान भी संभालो, दूसरों की भी संभालो, ऐसी ड्राइविंग करो सेफ। सुनो मम्मी क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60 से 80 होनी चाहिए। 60 होनी चाहिए पहाड़ों पे, 60 पहाड़ों पे होनी चाहिए, प्लेन पे 80। ये सुन लो मम्मी पहलवान बना रही है हमारे को, फिर कहती है स्लो चलानी है। सो ओके बाय बाय, मम्मी को भी करते हैं बाय, मम्मी बिजी है सब्जी बनाने में। मम्मी बाय बाय, आ जाओ चले, तड़का लगा रहे हैं अभी हम तड़का। ये हमारे बड़े भैया आ गए। ओके भैया बाय बाय, भैया भी खुश हो गए। क्या कह रहे हो, क्या लगा दिया भैया? सर रूम बॉय ने आपकी गाड़ी पे पानी मार दिया। ओके ठीक है, चलिए 100 रुपए हैं सर्विस के। चलो ठीक है, जोड़ देंगे खर्चे में, जोड़ देंगे। ठीक है, 100 है ना, उसमें से पंजाब वाले से 75 लेने हैं। ठीक है, मतलब 100 में से 75 उसी से लेने हैं। यस यस, और तीन वो अकेला 3 हिस्से के बराबर है। ठीक है ओके बाय बाय, जय माता दी, बाय बाय, जय माता दी। ये हो गई तैयारी और ये हम निकल गए। तैयारी है, टाइम हो रहा है 8:30 और देखते हैं कितने बजे जानू भैया को उठाते हैं। जाएंगे बिल्कुल आराम आराम से। एक ट्रिप की और शेयर करूंगा, ये भाई रात को ऐसे ही सामान लेके आ रहा था, आज फिर वैसे ही आ रहा है। भैया को देखो, हमारे को कहाँ बुलाने आए हैं, ये देखो एकदम फिट फाइन होके रेडी शेडी होके खुद को दिखाया, शर्ट पहन के हैवी ट्रिप पे जा रहे हैं। ये हम कैसे आए हैं देखो, कितनी गंदी लुक में आए हैं, अभी सुबह से गाड़ी का काम करा रहे हैं बाबूजी। फुल सरकाजम, फुल फुल। ये बाबूजी तो घर बैठे हैं, इनको तो आना नहीं था, फोन मिलाया ना तू करा, कोई नहीं मिलने, शामी मिलने, और भी काम होते हैं, और भी काम होते हैं भाई। देखो चलो, हमने कहा कोई नहीं भाई तू आराम कर, आराम। ये जैनी देखो शक्ल उतरी पड़ी है बेचारे की, थक गया सुबह से, थक गया काम करा करा के। चल सोना ही है तूने और क्या करना है। बैग फुल हो गई यहीं से, जानू भैया को कहाँ बिठाओगे और सामान कहाँ रखोगे? छत पे। ओके बाय बाय, जैनी हो गया हमारा तैयार, स्नैप डाल के। तूने डाल दी ऑफ की स्नैप? मैं लेट्स गो लिखा है, लेट्स ग्रो। और भैया आप मास्क उतार दो, गाड़ी में बैठे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारे साथ ऐसे बैठा होता है। मैंने डाली है बाईपास के बाद, बाईपास के बाद ये कह रहे हैं गंदगी से निकल के डालेंगे। वाइफ्स आए, निकल गए, तो वाइफ भी वाइफ है। ओके सो गाइस, आ गए डिनर के लिए। सही भाई टाइम हो गया? बिल्कुल भाई, भूख लग रही है? हां कितनी लग रही है, तू तो खा के आया है क्या? शाम को खाया, देख लो आ गए हम जिनमिल। और जैनी भाई हमारा देखो फोन पे लगा हुआ है आराम से। आज क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? आज की साउंड कर रही थी, मतलब आज की साउंड कर रही थी। चलो हम भी चलते हैं, थोड़ा पेट के साथ आशिकी करते हैं, चलते हैं। ठीक है भाई, आओ भाई। क्या हाल, बोलने वाला तो कोई नहीं फिर गया था। अच्छा जैन साहब बताओ क्या हुआ आपके साथ? बात
ये दोस्त से बात कर रहा है, सुन लो। दोस्त से खुशी देखो इसके फेस पे, खुशी। हाय ऐसी खुशी। तेरा सर भी दर्द हो रहा है? क्यों हो रहा है? बातें ज्यादा कर ली? भाई खा लो ना फोन छोड़ के। फोन नहीं छोड़ोगे मतलब? पराठे अपने आ गए हैं। जैनी क्या कर रहा है भाई ये तू? फोन पे खाएगा पराठे? लेट हो रहे हैं यार, खा ले जल्दी। सही भाई आप क्या कर रहे हो? चोरी डल रही है, उसके बाद टूट पड़ना है इस पे। टूट पड़ना है? भूख बहुत तेज लगी है। बहुत। वो खा के आने के बाद ही बंदे को इतनी भूख लगी हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। सो गाइस चाय की सुड़सुड़ी हो चुकी भाई की हमारे। पूरी खत्म जब तक नहीं होती तसल्ली से पीनी है यहाँ। बैलेंस है हमारी हो चुकी है, तो इसको एक गिफ्ट और दे देते हैं जो ये है। ये भाई हमने सुड़सुड़ी के साथ थोड़ा सुड़सुड़ा भी ले आएगा। I'll happily refuse it. Sorry. ये refuse तो कहने वाली बात है। भाई full trip के मजे उठा रहे इसे तो यार। जेनी भाई तू क्या करने वाला है? पे तुम्हें वापस देने वाला। बिल पे करने वाला है? नहीं तुम्हें देने वाला। मैं चला। ओके बाय बाय। ठीक है ओके ब्रदर्स। बस मेरी भी होगी। नहीं नहीं तू बैठ आराम से चाय पी भाई। ओके जेनी। तो झिलमिल से निकल चुके और ये हो गए हम भाइयों के साथ ज्वाइन। ये स्कॉर्पियो में जा रहे हैं अंकित भाई, मिलवाएंगे आपको लद्दाख जाके, या पहले जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भाई से मिलवाते हैं। टाइम बज रहा 3। यानी पी ले बेटा। नहीं भाई। क्यों नींद आ रही है? हाँ। और ये आ गए हम जानू भाई के। बुआ खुशी खुशी भेज रही है? नहीं खुशी खुशी भेज। पक्का? पक्का। और आपने दास तो नहीं हो ना? पक्का? देख उधर ही रहे हो। और हमारे उस्ताद जी सो रहे हैं अंदर, रोएंगे उठाएंगे तो? नहीं आप उठाएंगे तो रोएंगे फिर। चलो फिर नहीं उठाते, फिर करेंगे हम वीडियो कॉल पे उनको बाय बाय। तभी तो सुना लिया उसको। जैनी पी ले एक बार, फिर कह रहा हूँ देख ले। कहाँ जा रहे हो बैग पैक करके? पता नहीं भैया जहाँ आप ले जाओगे मैं चले जाएंगे। बहुत बड़ा बैग बना ली, अपनी जगह है नहीं वैसे। अच्छा अभी तो बेटा तूने कोल्ड ड्रिंक रखनी है, सारा पानी रखना है, कहाँ कहाँ रखेगा? जैनी के सर पे। सही में बताऊँ ना? जैनी के सर पे। सही बताऊँ कैरियर चाहिए था अपने को ऊपर। क्या पड़ गया भाई छोटा? चार जनों के लिए। हाँ एसयूवी गाड़ी छोटी पड़ जाएगी। अनबिलीवेबल सामान इतना है, और भाई साहब ने सप्लाई इतनी ली है, इसने वहाँ डालनी है दुकान। और सिर्फ श्रीनगर में नहीं लद्दाख में भी जाके इसने दुकान डालनी है, इतना सामान लिया भाई। एड्रेस नहीं है बेटा, लेके आकर कहीं उधर वाली साइड चवान चून कर देते हैं इसका। पड़े हैं, चल दे देंगे। ओके जी बाय बाय, चलते हैं। करो रेस्ट आराम से, उसको आप खुद भी घुमाना और छोटे को भी घुमा लाना। चलो भैया चलो बैठो। ओके चलो करके आते हैं एंजॉय। बोलो बता। जानू भाई हमारे गाड़ी लेके चल पड़े। कहाँ से लेके चल पड़े? अपने घर से भाई। और कहाँ से लेके चलेंगे हम? लुधियाना आ गए, जानू भाई को ले लिया भाई। अब चल रहे हम श्रीनगर। श्रीनगर या तू ये माइक लेके क्या कर रहा है? गाने गाएंगे सरूर में। सरूर में या सरूर होता है भाई जी? सरूर नहीं होता भाई। सभी भाई हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। डर लग रहा है? अभी तो नहीं, अभी जैसी हाईवे आएगा अब जानू भाई की ड्राइविंग देखनी है। इन्होंने भी अगर तोते उड़वा दिए तेरी तरह तो मैंने जाना उतरे यहाँ से। मैं चले वापसी दिल्ली। ऐसे मत बोल यार, जो कल व्लॉग देखेगा वो क्या कहेगा? मैंने तोते उड़वा दिए। कुत्ते वाली गाड़ी चलाता है? नहीं यार मैं 100-120 से ऊपर नहीं है। मेरी तो उसी में हो जाती है। आने वाले मेरे को आते हुए कह रहा था 80 से ऊपर नहीं चलेगी। 100 पहुंचे ठीक है, 120 पहुंच गए चलो बहुत NH1 है, 140 पहुंच गए तेरी पे और नहीं आया 140 पागल बना रहे हैं। सच तो सीधा होता है। सच की है कि तू कुत्ते खाने की थी मेरे नाल पूरे राज यार। एवे ना बोल गया आपने ना, बदतमीजी दिखाई है मेरे साथ। ये तमीज है एक बोलने की, एक कुत्ता खाने की होती है यार, तमीज रखो। तीनों भैया ये आप क्या बोल रहे हो? उन कैमरा बोल रहे हो क्या? कह रहे हो आप क्या? हुआ गाड़ी नहीं चलानी आती आपको? ये शर्मा गए अब तक कैमरे पे। हमारी फ्लैश अच्छी है? नहीं भाई जानू भाई ने सोने नहीं दिया मेरे को। नहीं आती भाई नींद इन भैया को। ऑन रोड
इन भैया को नींद नहीं आती, ये प्रूफ दूंगा मैं आज वाले व्लॉग में, ये भैया सोते कहीं दिख गए मुझे, पूरी वीडियो डालने की चुप कर रहे, अगर शांति से चलाओगे तो आ जाती है, इसको दिखा अभी कर कह रहे। हम अपने साथ एक बच्चा भी लाए हैं, देखो ये क्या कर रहा है माइक लेके, दिखा भैया अमन क्या कर रहा है। हेलो हेलो करो, कितने का डीजल डलवाना है हमने? डलवा लेंगे 2000 का माइक का, 2000 का डलवा लेंगे भाई, 2000 का ढक्कन पर नहीं लगा हुआ, देखिए जरा हमारे बीच में ऐसे नोजल नहीं है ना। चल कोई बात, कितने का डलवा दिया? 3491 का सर, वो 3500 पूरे करा देने दे, वो होते नहीं है सर, डीजल मिल गया हमें यहाँ सस्ता बहुत ज्यादा, 82 रुपीस। दिल्ली कितना था? 90। ये तो सर आप डलवा के हो, आपको पता होगा, हम रेट नहीं देखते, हम टंकी फुल कराते हैं और आ जाते हैं, हम सर बेनिफिट देखते हैं। चलो चीयर्स करो भाजी, भाजी दसिया तो ये बड़े भैया की सुनो क्या कह रहे हैं हमारे। नहीं हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि चीयर्स पैक का नहीं चाय का करना चाहिए। आप गलत सुन रहे हो, ये पलट गए, इनको पता नहीं था कैमरा चालू है। फाइनली गाइज एक स्टॉप लिया पहाड़ों में, पहला स्टॉप लिया पहाड़ों में, एक नहीं पहला लिया, और पीछे का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो व्यू कितना प्यारा। और ये सैबी भैया हमारे लगे हुए हैं अपनी रील अपलोड करने में, आंखें देखो सोस हो के बेचारे थक चुके हैं, पता नहीं कब के सोए पड़े हैं, आंखें देखो इनकी आपको पता लग रही होंगी। भैया कब से सोए पड़े हो यार? पूरे रास्ते में सोया हूँ भाई, आप बताओ। सोयो भाई, तेरे से नहीं पूछा? हाँ, इनसे पूछा, मसा आँख लगी है, उनको क्या पता बेचारों को, पूरे रास्ते बताए जा रहे हैं मेरे को नींद नहीं आ रही है, मसा आँख लगी है तो ये नजर लगाएंगे। ये देखो व्यू कितना अच्छा है, व्यू में क्या है भैया? अच्छा, मिट्टी वाले पहाड़, ये मिट्टी वाले थोड़ी है, ये मिट्टी वाले हैं, देखो ऊपर आगे आएंगे असली वाले, तो चलते हैं फिर यहाँ से ऐसे करते हुए आगे। परेशान है? परेशान है, कोई दिक्कत हुई है? थका हूँ भाई। हैं? थका हूँ। थके सारे हुए हैं, तू अलग थका है कुछ? तो मैं तेरे को कुछ कह रहा हूँ? नहीं, शक्ल क्यों बना के खड़ा है? ऐसे तो कह रहा था भाई। हैं? धूप आ रही है उसी साथ। धूप आ रही है? तू अपने पे कर, तेरी शक्ल नहीं बनी हुई? नहीं, मेरी है ही अच्छी शक्ल। है ही ऐसी? अच्छी शक्ल है भाई, है ऐसी नहीं। देख मैं भी ठीक हो गया तेरे से बात करके। देख और क्या चाहता है? देख मेरी अच्छी शक्ल देख कितनी है। क्या करें बताओ, इनके साथ चलना चाहिए नहीं? चलो चल के ही देख लेते हैं कैसा रहता है, फिर इनको भी बता दें हमारी गाड़ी भागती है ऐसे करके, फुल थ्रोटल खोल रही है, बढ़िया से चल रही है। ये देखो ये गई, ये देखो ऐसे ही चलेगी ये।
कर क्या आ रहा है अंकित भाई, एंजॉय पूरा भाई? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा था। अरे तुम बताओगे ड्राइविंग कैसी रही? आप बताओ, आपके आगे चल रहा था मैं। मेरे आगे क्या, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था ना, दिक्कत तो मेरे को यही हो रही थी। ये तो हवा से बातें करता लाया है, एकदम इतना प्यारा व्यू है। जानू भाई क्या लग रहा है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, वसूल है। हाँ जी, हाँ जी सर, देख ले आपके साथ टूर लगाया, वसूल कैसे नहीं होगा बताइए। ओ भैया बाद में तू कहे भैया ले आया जबरदस्ती, तू धक्के मार मार के, मार मार के जबरदस्ती हो। देखो ये तो आपको फिर भी मानना पड़ेगा, जबरदस्ती लाए हैं, मुंह पे हंसी तो कहती है मजा आएगा। बात ये ऐसे है, हमारे को हमारे बेटे की याद आ रही है। वो बेटे की याद आ रही है, बेटे के लिए जगह देखने आए, अगले साल ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, भाई सेफ है या नहीं है। ऐसे ही है ना, ये तो दिल्ली से निकला है, इसका वो हाल हो रखा है क्योंकि बंदे का तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। भाई मैं बात कर रहा हूँ घर वालों से, अब बताओ कहाँ से आप आए हो? ये मैं झारखंड से आए हैं। मैं झारखंड से आया हूँ, मेरी गाड़ी नहीं देखी आपने झारखंड नंबर? यहाँ का व्यू देखो आप कितना प्यारा आ रहा है। और अब हम थोड़ा उस साइड को चलते हैं जहाँ सैभी भाई खड़े हैं, ये पानी यहाँ से नीचे जा रहा है और उधर भी पूरा ऐसे ही जाता जा रहा है। सैभी भाई अभी तक क्या करा आपने यहाँ बता दो, खुश लग रहे हो यार? क्या बात है यार, ये बोल के बचो मत, इंग्लिश नहीं आई ना तेरे को? हाँ हाँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मतलब, अच्छा फील हो रहा है। और मैंने थोड़े शॉर्ट्स लिए, थोड़े शॉर्ट्स लिए हैं, और कुछ नहीं पता आपको? आपको कैसा लग रहा है? कुछ लग ही नहीं रहा खास, वो इनफ नहीं था जो मैंने? नहीं 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 नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये पहलगाम का। कश्मीर में 5 से 6 बार आ चुका हूँ, इस जगह कभी नहीं आया। ये जानू भाई भी आया हुआ है सर पहलगाम, पहले आए हो? आए सर, आए। ओ सॉरी मैं ही अकेला पहली बार आया हूँ, आप आए हुए हो? अच्छा ये तो पहली बार कश्मीर आए हैं जैन साहब आप? पानी के बीच की फोटो भी है यूसुफ भैया के साथ। अच्छा पानी के बीच की फोटो भी है, बीच में कहाँ बैठे थे? बिल्कुल भैया जी बैठे हैं पत्थर पे। अच्छा पत्थर पे ही जाके बैठ गए थे? मैंने कहा पानी पे ही बैठ गए थे। पानी पे बैठ के दिखाओ ना आप। चलो चलो हमने नहीं बैठना, पानी पे बैठ गए बहुत है। सो फाइनली गाइस पहलगाम हमने कर लिया फुल एंजॉय। फुल एंजॉय का मतलब क्या है जैनी ये बता, मतलब फुल एंजॉय करा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, कश्मीर पहली बार आया ना, मजा आ गया कसम से पहलगाम आके, पहले कभी नहीं आया था, पहली बार आया हूँ, बहुत मजा आया। जानू भैया तो प्लान कर रहे हैं अगली बार भी आने की, कब आने की तैयारी है? ये तो घर बात चल रही है, जनवरी फरवरी में आ जाना है। यहाँ से अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहलगाम इतनी भीड़ है कि यहाँ स्टे करने के लिए रूम अवेलेबल नहीं है। हम सबसे पहले रूम के लिए गए थे कि रूम मिल जाए, उसके बाद एंजॉय करेंगे पूरी रात अगर रूम मिल जाता, तो रूम हमें मिला नहीं। अब यहाँ से देखते हैं हमें जाना कहाँ है। और ये सैभी भी हमारे भैया का व्लॉग चल रहा है बहुत बढ़िया, और ऊपर वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये भैया हमारे कुछ बता रहे हैं। किसको क्या पता लग गया भैया? ओ माई गॉड, था क्या सीन वो भी बताऊंगा, क्या था जे एंड के आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या सीन था, सारा डिस्कस करूंगा। अभी गाड़ी में चलते हैं, ठंड हो रही है, एक नंबर टेम्परेचर हो रखा है यहाँ अप्रॉक्स 2 या 3। सैभी जी टेम्परेचर कितना आ रहा है? टेम्परेचर कितना आ रहा है? 2 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है यहाँ का, और हम सारे हाफ स्लीव्स में फुल इंजॉय कर रहे हैं। ठंड लग रही है हाथ भाई का जम गया पानी में हाथ डालते ही, और मैंने तो ट्राई नहीं करा, क्यों पानी है इतना ठंडा, इनको देख के ही मैंने ट्राई नहीं करा, क्या जरूरत है करने की। और ये भैया फोन पे लगे पड़े हैं, छोड़ दो यार एंजॉय कर लो, चलें अब चलें यहाँ से। चलो फाइनली गाइस ओके बाय बाय। ऊपर मौसम अभी भी खराब है, हमने जाना है वो वहाँ पे ऊपर। अच्छा कब ये सर आपका वो ज्यादा लंबा नहीं हो गया थोड़ा सा? वो भैया सैभी भैया हमने कहा था ना वो ऊपर है ना? हाँ जी नहीं सर, आइस आइस बर्फ नहीं, आइस कितने स्नो थे नहीं? हाँ जी सर सुनो क्या बात है। सो गाइस एक नया काम हम करने लगे हैं, सारे भाई देखो ये बताऊंगा कर किसके लिए रहे हैं, पहले ये देखो जीतता कौन है।
ये जीता किस लिए अब ये सुनो बताना पड़ेगा पहले वॉशरूम तू ना जाना ये देखो ये बाहर खड़ा होके ये हुआ नहीं 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 वॉशरूम जाना है भाई भैया को पहले तो इसलिए हमने करा था ये भैया रोने लग गए ये भैया रोने लग गए तो फाइनली हम KFC आ गए हैं खाना खाने और कुछ खा पी ले कहीं का टेस्ट आया ना गाने के लिए नीचे और ये भैया फिर सीधा हाथ ले लेके आए जा रहे हैं भैया रहने दो यार हाथ नहीं देना अब ना खाएंगे और जाएंगे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड पहलगाम में हम लोगों को स्टे के लिए कुछ भी नहीं मिला हम लोग गए श्रीनगर पापा के फ्रेंड थे उनका होटल है उसमें दो दिन हमने स्टे करा और जो आगे का है वो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कमिंग सून